जय जवान जय किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो प्रमाणित बीज योजना राज्य सरकार की, वह योजना हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा या नहीं। दोस्तों, राज्य सरकार हर फसल की बुआई के समय किसानों को सहायता करने के लिए वहाँ पर प्रमाणित बीज, अपनी राज्य सरकार की तरफ से प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाती है। वह बहुत ही कम रेट पर आपको उपलब्ध करवाती है। तो दोस्तों, वह बीज आपको कहाँ से प्राप्त करना है, उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, तो वह संपूर्ण प्रक्रिया आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखते रहें। तो हर राज्य सरकार में इस प्रकार की योजना चलती है, तो अपने नज़दीकी जो ग्राम पंचायत है या ग्राम सहकारी समिति है, वहाँ पर जाकर आप इस योजना की पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो भी आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं आपको जो अभी जिस योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, वह राजस्थान सरकार की योजना है। तो राजस्थान सरकार इसमें कितनी प्रतिशत तक किसानों को छूट देती है, यानी 2500 रुपये, कुछ फसलों में 1500 रुपये, कुछ फसलों में 1000 रुपये या इससे भी अधिक जो छूट राजस्थान सरकार देती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कुछ हिस्सों में दोस्तों बारिश शुरू हो गई है और बुआई का सीजन चल रहा है, तो अभी जो बाजरे का बीज है, मूंग का बीज है, ग्वार का बीज है, वो राज्य सरकार कब तक उपलब्ध करवाएगी, तो वीडियो में हम देखते रहें। तो अब देखते हैं दोस्तों, जो प्रमाणित बीज राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है, उसके लिए अनुदान यानी जो सब्सिडी मिलती है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको मिल सके। तो अब देखते हैं दोस्तों कि जो प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता है, उसके बारे में देखते हैं कि जो फसल उत्पादन में गुणवत्ता युक्त या प्रमाणित बीज का प्रमुख योगदान होता है। दोस्तों, इसमें न केवल प्रति इकाई फसल उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि होती है, अपितु दोस्तों फसल उत्पादन के अन्य आदानों या उर्वरक या जो हम खाद डालते हैं या सिंचाई आदि की भी समुचित उपयोग होता है। यानी जो राज्य सरकार जो सर्टिफाइड या प्रमाणित बीज आपको उपलब्ध करवाती है, वह वैज्ञानिक शोधों में तैयार होकर बहुत ही अच्छा बीज आपको उपलब्ध करवाती है। तो उसके बारे में बता रहे हैं, तो दे लाभ राज्य सरकार, राजस्थान सरकार है, वो क्या क्या लाभ दे रही है, तो उसके बारे में देखते हैं कि विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणित बीज वितरण दे लाभ का विवरण निम्न अनुसार है। तो हम पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर अंत तक पूरा पढ़ेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों कि जो दलहनी फसलें हैं, यानी जो मूंग, मोठ, उड़द या अरहर या जो चने की फसल है, उसमें राज्य सरकार क्या लाभ दे रही है। दोस्तों, 15 वर्ष की अवधि की जो अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50% अथवा रुपये 2500 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम हो, वह आपको मिलेगा। यानी 2500 रुपये से अधिक का यदि आपको खरीद रहे हैं, तो आपको 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको मिलेगा। यदि आप कम राशि का खरीद रहे हैं, तो उसका 50% आपको अनुदान के रूप में मिल जाएगा। दूसरा जो है कि मोटा अनाज यानी बाजरा, ज्वार या मक्का, जो यदि आप सहकारी समिति से खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर दोस्तों किस्में 10 वर्ष से, जिसमें 10 वर्ष से कम अवधि की जो अधिसूचित किस्म है, उस किस्मों की बीज की कीमत का 50% अथवा 1500 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम होगा, वह मिलेगा। अब दोस्तों बात की जाए संकर किस्म की, जो संकर किस्म है, उसमें 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50% या 5000 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम हो, वह राशि आपको सब्सिडी के रूप में, अनुदान के रूप में आपको मिल जाएगी। इसके लिए एक आवेदन फॉर्म मैं आपको लास्ट में उपलब्ध करवाऊँगा, तो उस आवेदन फॉर्म को आप भरकर आपको अपने जो नज़दीकी कृषि प्रयोगशाला है उसको जमा करवाना होगा। तो आप देखते रहिए, गेहूँ एवं धान, यानी गेहूँ एवं धान यदि आप खरीद रहे हैं गेहूँ के सीजन के समय, तो दोस्तों 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50% अथवा रुपये यानी 1000 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम है, वह आपको उपलब्ध होगा। ग्वार की किस्म के लिए दोस्तों 10 वर्ष से कम की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50% और 1200 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम है, वह अनुदान या वह सब्सिडी आपको दी जाएगी। अगली जो 5 नंबर की पॉइंट है, वह है दोस्तों जो सोयाबीन, मूंगफली, तिल या अरंडी या सरसों की जो फसल है, उसमें दोस्तों क्या होगा, उसमें
आपको बताया कि 15 वर्ष की जो किस्म है उसमें 50% या 2500 रुपये प्रति क्विंटल या तेल के रूप में 5000 रुपये प्रति क्विंटल जो भी कम है वह आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा इन चीज़ों की यदि आप संकर किस्म या जो संकर बीज है वह आप लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको जो बीज की कीमत का 50% और 5000 रुपये प्रति क्विंटल में जो भी कम है वह आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों पात्रता राज्य सरकार ने क्या तय की है, यानी कौन किसान इस योजना का फायदा ले सकते हैं, तो उसके पात्रता के बारे में देखते हैं कि इसमें दोस्तों समस्त श्रेणी यानी सभी श्रेणी के जो कृषक हैं किसान है वो जिले में जनसंख्या के अनुपात में इस योजना का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे सभी तक इसकी जानकारी पहुँच सके। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है स्वपरागित फसल होने से 3 वर्ष में एक बार, परपरागित फसल हेतु 2 वर्ष में एक बार और संकर किस्मों हेतु प्रति वर्ष अनुदान पर बीज प्राप्त किया जा सकता है। यानी यदि आप स्वपरागित फसल ले रहे हैं तो 3 साल में एक बार आप लाभ ले सकते हैं, परपरागित में 2 वर्ष में एक बार, यदि आप संकर किस्म ले रहे हैं तो प्रति वर्ष इस सब्सिडी का योजना का फायदा आप ले सकते हैं। दोस्तों दलहनी फसलें जैसे मोटा अनाज हो गया गेहूँ धान एवं गुवार की फसल के तहत एक कृषक को अधिकतम 2 हेक्टर क्षेत्र हेतु अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज दिया जाएगा। दोस्तों समस्त जो तिलहनी फसलों हेतु अधिकतम 5 हेक्टर तक ही प्रमाणित बीज अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो अनुदानित बीज पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर उपलब्ध होगा, नहीं आप अपडेट रहते रहें अपने नज़दीकी जो सहकारी समिति है ग्राम सेवा सहकारी समिति है वहाँ पर आप जानकारी लेते रहें, वहाँ पर जैसे भी बीज आ जाए तो पहले जाकर आप पहले बीज ला सकते हैं। उसमें यह नहीं है कि मैंने पहले आवेदन कर दिया था तो मुझे ऐसा नहीं मिला, जो पहले जाएगा उसको पहले इस योजना का फायदा मिल पाएगा। आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन प्रक्रिया में देखते हैं दोस्तों कि जो अनुदानित दर है यानी सब्सिडी दर है उस पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु जो कृषक है यानी किसान है किसान द्वारा संबंधित कृषि पर्यवेक्षक या जो सहायक कृषि अधिकारी है उसके कार्यालय में जाकर आपको संपर्क करना होगा, वहां से आपको इसकी जानकारी लेनी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो प्रपत्र में संबंधित कृषि पर्यवेक्षक है सहायक कृषि अधिकारी से सिफारिश उपरांत उनके क्षेत्र में जो कार्यरत ग्राम सेवा या क्रय विक्रय सहकारी समिति है या सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत तो निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी इन इन जगहों से आप ये बीज प्राप्त कर सकते हैं। समयावधि क्या रहेगी दोस्तों कि समयावधि किस समयावधि में आप इस बीज का खरीद सकते हैं या इस योजना का फायदा ले सकते हैं। दोस्तों खरीफ रबी या जायद की जो फसल होती है उस हेतु जो उपयुक्त बुआई का समय है उस बुआई के समय से पहले आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। जैसे अभी बारिश होने वाली है तब बाजरे की तथा ग्वार हो गया मूंग हो गया इनकी फसल अभी बोई जानी है तो इन फसलों की जो योजना का फायदा है वो आप अभी ले सकते हैं। इसके अलावा जो समय समय पर इस योजना का फायदा आप ले सकते हैं। बीज आपको कहाँ से प्राप्त करना है तो बीज प्राप्ति का जो स्थल है वह होगा जैसे ग्राम सेवा क्रय विक्रय सहकारी समिति सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत जो निजी विक्रेता है वहाँ से आप इस योजना का जो बीज है वह प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको कहाँ पर संपर्क करना होगा, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत स्तर पर यदि आप संपर्क कर रहे हैं तो आपका जो कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय है वहां पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। पंचायत समिति स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो सहायक कृषि अधिकारी से आप इसका संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों उपजिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि कार्यालय में आप इसका संपर्क कर सकते हैं तथा जिला स्तर पर दोस्तों आप जो उपनिदेशक कृषि जिला परिषद कार्यालय है वहाँ पर इस योजनाओं के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि आपको कहाँ पर संपर्क करना है जिससे आपको इस योजना का फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर लिखा हुआ है तो इस पर क्लिक करने के बाद में अपने को एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा वह आपको भरकर जमा करवाना है जिससे इस योजना का फायदा आप ले सकें। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि जो खुल गया अभी खुलने वाला है तो ये खुल गया सीड एप्लीकेशन फॉर्म की PDF खुल गई है तो यह देख लेते हैं कि प्रपत्र खुल गया कि कार्यालय उपनिदेशक कृषि जिला परिषद जैसे आप जिस भी जिले से आ रहे हैं बाड़मेर से आ रहे हैं तो बाड़मेर, बीकानेर से आ रहे हैं बीकानेर, सीकर से आ रहे हैं तो सीकर वो आपको लिखना है। इसके अलावा दोस्तों जो कृषक यानी श्रीमती जो भी कृषक का नाम है पुत्र या पत्नी श्री जिसका पिताजी का नाम जो भी जानकारी आपका गाँव आपका क्षेत्र
जिस फसल के बारे में आप ले रहे हैं वो आपको लिखना है इसमें। तो उसके अलावा दोस्तों जो हस्ताक्षर है कृषि प्रयोगशाला के अधिकारी उसके हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पर किसान के जो कृषक हैं उसके हस्ताक्षर करने हैं, जो दिनांक आपने जो बीज खरीदा है उसका दिनांक आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों हस्ताक्षर जो अधिकृत विक्रेता है यानी जहाँ से आप बीज खरीदा है वहाँ पर अधिकृत विक्रेता है उसका आपका सिग्नेचर ले सकते हैं। तो ये साइन लेकर आपको जो कृषि प्रयोगशाला अधिकारी है उसको आपको जमा करवाना है, जिससे आप इस योजना का फायदा ले पाएंगे। दोस्तों यदि आपने हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। तो ऐसी ही और योजनाओं की जानकारी लेने के लिए नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबा करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सर बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे सभी आगे आने वाली सरकारी योजनाओं के फायदा आपको मिल सके, उनकी जानकारी आपको तुरंत उपलब्ध करवाई जा सके। इसके अलावा दोस्तों अन्य योजनाओं की जानकारी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो उस लिंक पर जाकर आप हमारे अन्य वीडियो भी देखें जिससे अन्य योजनाओं का फायदा भी आप ले सकते हैं।